प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आप लोग सीख रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। ये केवल प्यारे बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। इसको आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस अपने आप नहीं होती है। प्रैक्टिस, आप लिख लीजिए सेंटेंसेस को, उसके बाद उसको बोलिए। यदि आप स्कूल में जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ खूब बात कीजिए इंग्लिश में। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हार्डली मैटर्स, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश। आ रही बात समझ में? और दूसरे वो लोग जो ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, खास करके आज के यूथ, तो आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, इन सेंटेंसेस को लिखिए। ये पार्ट नंबर 60 है, पता नहीं पार्ट नंबर 500 तक मैं बनाऊं, 1000 तक बनाऊं, नोबडी नोस। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश हम सिखाते रहेंगे, आप सीखने वाले बनिए। समझ रहे हैं आप? और यकीन मानिए, यदि एक दिन में यदि आप 10-10 सेंटेंसेस सीख रहे हैं, तो 365 दिन में जरा देखिए कितना सेंटेंसेस सीख लेंगे। बस गुणा कर दीजिए, 3,500 से भी ज्यादा है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्या है, आज हम सीखने वाले हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। ये कौन सा पार्ट है जी? ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? दिस इज पार्ट नंबर 3। ये देखो, चिल्ला रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, है ना? अब देखिए, बात करने की भी एक शैली होती है, बात करने का भी एक तरीका होता है। टेलीफोन इंग्लिश फ्रेजेस, टेलीफोनिक इंग्लिश फ्रेजेस आज जो हम सीखने वाले हैं, वो जनरली हम सीखेंगे कि भाई यदि इस प्रकार की घटनाएं घट जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, उस समय हमारा रिएक्शन क्या होगा और हम क्या बोलेंगे उस पर्टिकुलर समय पे। जैसे कि मान लीजिए पुअर फोन नेटवर्क है, तो क्या क्या फ्रेजेस बोलना है? व्हेन आर बैटरी इज, व्हेन वी आर बिजी, जब हम व्यस्त हैं तो क्या बोलना है? जब बैटरी कम हो, मतलब खत्म होने वाली हो, तो क्या बोलना है? किसी को वेट करवाना है तो क्या बोलना है? बाय बाय कहने से पहले क्या बोलना है? और बोलेंगे कि भाई आप इस समय अवेलेबल हो पाएंगे तो क्या बोलना है? बात समझ में आ गई? सो वी लर्न स्पेशल फ्रेजेस रिगार्डिंग दीज सिचुएशंस, कि यदि स्थितियां ऐसी बन जाए तो हमें कौन कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल करना है। सबसे पहले, ज्यादा करके जब आप बात करते हैं तो समस्या क्या आती है? जब आप बात करते हैं तो समस्याएं आती है पुअर फोन नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है कई बार सही नहीं होता है, तो उस समय आप किस तरीके से बात करेंगे, ये समस्याएं आ जाती हैं। देखिए कैसे। आप क्या बोलेंगे जब नेटवर्क में दिक्कत हो, चाहे आप सुन नहीं पा रहे हो, चाहे कट कट की आवाज आ रही हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। मेरे पीछे बोले तभी तो प्रैक्टिस होगी। आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, या यू कैन से आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। भाई आवाज कई बार होता है कि कट कट के आती है, तो हम उस स्थिति में क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। समझ में आ गई बात? और आप क्या बोल सकते हैं? आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग। यू आर ब्रेकिंग का मतलब ये मत लगा लीजिए कि भाई आप ही टूट रहे हैं, इसका भी मतलब वही है कि दैट योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आई एम सॉरी योर वॉइस इज जारी। क्या बोलेंगे? योर वॉइस इज जारी। जारिंग का मतलब एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब यह है रुक रुक का आना, कट कट कर आना। समझ में आ गई बात? चलिए एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग, आई एम सॉरी योर वॉइस इज जार, आई एम सॉरी योर वॉइस इज इकोइंग। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी
योर वॉइस इज इकोइंग। कई बार क्या होता है कि इको प्रोड्यूस होती है, मींस वही बात रिपीट हो के हमें सुनाई देती है, तो उस समय पे आपको क्या बोलना है, दैट योर वॉइस इज इकोइंग। आई कांट आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। भाई आपकी बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन ये है ना, जैसे मैंने बोल समझ रहे हैं आप तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन आई एम टीचिंग यू, तो मेरी जो आवाज है रुक रुक के में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन हियर यू सर। आप बोलेंगे सर वी कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। सर आई कैन हियर यू बट योर वॉइस इज इन बिट्स एंड पीसेस। समझ में आया, आया मजा। नेक्स्ट, आई कांट हियर यू एट ऑल, लेट मी कॉल यू बैक। कई बार क्या होता है आवाज हमें सुनाई नहीं देती है ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सर आई कांट हियर यू एट ऑल, लेट मी कॉल यू बैक, और कॉल मी बैक राइट नाउ। उसके बाद क्या है, जब हम किसी को फोन करते हैं तो उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई साहब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या, क्या बोलते हैं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या। तो आप क्या कहते हैं, देखो जब हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, व्हेन वी वर स्टडिंग ऑनलाइन क्लासेस, व्हेन यू वर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें क्या करते थे बच्चों, आप कहते थे मैम सर योर वॉइस इज नॉट क्या बोलते थे यार, कमिंग, हाँ योर वॉइस इज नॉट कमिंग, है ना। आप कहते थे सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, अरे मेरी आवाज जा थोड़ा रहे है, मेरे पैरों से थोड़ा चल रही है कि आपके पास पहुंच जाएगी, बोलेगी लो जी मैं आ गई, दरवाजा खटखटाने लग गई। उसमें आपको क्या बोलना है, सिंपली यू विल से कि सर यू आर नॉट ऑडिबल। आ रही बात समझ में, तो मैं तो इधर से बोलता था कि प्यारे बच्चों एम आई ऑडिबल, माई डियर स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, कि भाई मैं सुनाई दे रहा हूं। तो उसमें उस समय आपको क्या बोलना चाहिए था, आपका जवाब क्या होता, आप कहते ये सर यू आर ऑडिबल। और कई बार हम मेरी आवाज सुनाई नहीं देती थी, तो आप लोग कहते सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, दैट वॉज द रॉन्ग फ्रेज। वो क्या था, रॉन्ग फ्रेज था, समझ रहे हैं। राइट क्या है, सर यू आर नॉट ऑडिबल। नेक्स्ट इज माई वॉइस ऑडिबल, जैसे मैं पूछता था ना इज माई वॉइस ऑडिबल, तो आपको क्या जवाब देना था, यस सर यू आर ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। आई कैन हियर यू बट योर वॉइस इज टू लो, कैन यू बीट अ लिटिल लाउड, कि आपकी जो आवाज है बहुत ही स्लो है, क्या आप थोड़ा तेज बोलेंगे। नेक्स्ट, ये देखो किस तरह जीभ निकाले पड़े हैं, एक खुश हो रहा है एक जीभ निकाल रहा है, क्या दिक्कत आ गई इन भाई लोगों को। ये देखो ये तो इसकी तो निकल गई, गिग्गी बाहर आ गई, मतलब मीन्स आउट ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं है, बैटरी नहीं है, और ये देखो कितना खुश है। तो जब आपकी बैटरी लो हो तब आपको क्या बोलना होता है, फ्रेजेस। देखिए सबसे पहले आप फोन उठाएंगे और आपने नोट कर लिया कि भाई बैटरी बहुत कम है, क्या है बैटरी बहुत कम है, तो आप उनसे फोन उठाते ही आप उनको क्या बोलेंगे, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग आई मस्ट लूज यू एज आई एम ऑन 2% बैटरी, एज आई एम ऑन 2% बैटरी, क्या बोलेंगे, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग। भाई बात करने से पहले मैं बता दूं, चलो चलो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी बैटरी है ना कम है, तो हमारी कॉल डिसकनेक्ट हो सकती है या बंद हो जाएगी। सो यू विल से बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग आई माइट लूज यू बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्टेज ऑफ बैटरी। नेक्स्ट इज प्लीज बी अ लिटिल क्विक, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। हाँ, तो जैसे हमने फोन किया किसी ने हमें और हम देख रहे हैं कि भाई 1% ही बैटरी दिखा रहा है, तो सिंपली आप उनसे डायरेक्ट फोन करते ही क्या कहेंगे, प्लीज बी अ लिटिल क्विक माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, प्लीज बी क्विक माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। आपकी बैटरी मरने वाली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बैटरी मर रही है तुम्हारी, इसका मतलब ये है कि जस्ट यू विल गेट डिस्चार्ज, ठीक है ना, योर बैटरी विल बी डाई सून, माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन। यू कैन से कि भाई बैटरी कभी कभी क्या होता है, समाप्त होने वाली है, बिल्कुल सूख चुकी होती है, देन यू से माय बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कुड यू टेक्स्ट मी इफ इट्स दैट नॉट इम्पोर्टेंट।
आश्वासन में कि भाई मेरी बैटरी है समाप्त होने वाली है। ड्रेन मीन्स क्या हो गया, आप ये समझ लीजिए समाप्त होने वाली है, बिल्कुल चूस चुका हूं मैं बात कर करके। और कुड यू टेक्स्ट मुझे एक टेक्स्ट मैसेज डाल देना अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो। माई फोन रनिंग आउट ऑफ बैटरी, प्लीज बी अ लिटिल क्विक। माई फोन रनिंग आउट ऑफ पावर, माई फोन रनिंग आउट ऑफ पावर, सो प्लीज बी शॉर्ट। क्या बोलेंगे आप, प्लीज बी शॉर्ट। नेक्स्ट इज लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई विल कॉल यू बैक। लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई विल कॉल यू बैक। मुझे एक बार यार ना चार्जर लेने दो तब मैं आपसे बात करता हूँ। या माई फोन रनिंग आउट ऑफ पावर, सो बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। व्हेन यू आर बिजी, कई बार क्या होता है हम बिजी होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं, होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं भाई, इंसान है, बिजी हो सकते हैं। सो मैनी अ टाइम वी आर बिजी। तो जब हम बिजी होते हैं तो किस प्रकार के टेलीफोनिक फ्रेजेज यूज करने हैं। इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग, क्या बोलेंगे। इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग, क्या बोलेंगे। इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई बज लेटर इन द इवनिंग, ये आप कह सकते हैं। बज का मतलब वही, फोन कर सकता हूं। आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट, ये बड़ा प्यारा फ्रेज है। जैसे कोई बिजी होता है तो सिंपली इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम बिजी राइट नाउ प्लीज कॉल मी लेटर, यू कैन से आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट। आई एम टाइड अप, बिल्कुल बंद गया हूँ, बिल्कुल समझ समझ लो समय नहीं है मेरे पास। तो यू से आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट, कैन वी टॉक लेटर, क्या बोलोगे। आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट, कैन वी टॉक लेटर। आई एम टाइड अप एट दिस मोमेंट, कैन आई कॉल यू इन आवर्स टाइम, कि 1 घंटे के बाद कॉल करूँ क्या तुम्हें। कुड यू लेट मी नो व्हेन शील बी इन द ऑफिस प्लीज, वुड यू माइंड कॉलिंग बैक इन एन आवर, आई एम इन अ मीटिंग जस्ट नाउ, प्लीज होल्ड फॉर जस्ट अ मिनट, आई हैव अनदर कॉल। जब हमारे पास दूसरा कॉल भी साथ में आ रहा हो और हम किसी से बात भी कर रहे हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैनेज कैसे करें। तो हम यही बोलेंगे ना, वुड यू माइंड कॉलिंग बैक इन एन आवर, आई एम इन अ मीटिंग जस्ट नाउ, प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई हैव अनदर कॉल। या प्लीज होल्ड फॉर जस्ट फॉर अ मिनट, आई हैव अनदर कॉल, प्लीज डोंट कॉल दिस नंबर अगेन, ये हो चुका है। फिर से जब हम बिजी होते हैं तो क्या कहना होता है, प्लीज बी क्विक एंड प्रिसाइज, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई थिंक दिस कन्वर्सेशन विल टेक लॉन्गर, कन्वर्सेशन ऑन लॉन्गर। तो आप ये कह सकते हैं कन्वर्सेशन ऑन दिस मैटर वुड टेक मच टाइम, सो लेट्स टॉक इन द इवनिंग। भाई आपकी बैटरी समाप्त हो रही हो, आपके पास समय नहीं हो, तो आप सामने वाले को ये भी कह सकते हैं कि आई थिंक इट विल टेक टाइम सो विल टॉक इन द इवनिंग, आई थिंक इट विल टेक टाइम सो विल टॉक इन द इवनिंग। सेकेंड कॉल कोई कर रहा हो तो कैसे करेंगे, आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल, कुड यू होल्ड फॉर अ सेकेंड प्लीज, आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल, कुड यू होल्ड फॉर अ सेकेंड प्लीज, हे आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल, कैन वी टॉक लेटर इफ इट्स नॉट अर्जेंट, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माई बॉस, जब बॉस बोलेगा करेगा तो भाई बात सुननी पड़ेगी। आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माई बॉस, आई विल हैव टू अटेंड हिम, वी विल टॉक लेटर, आई विल कॉल यू सून, ऐसे हम कह सकते हैं। आई एम सॉरी यू हैव टू वेट अ लॉन्गर, जैसे मान लीजिए हम फोन, किसी ने हमें फोन किया एंड वी वर बिजी ऑन सम अदर्स कॉल, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी यू हैव टू वेट अ लॉन्गर, प्लीज होल्ड अ सेकेंड, माई बॉस इज पिंगिंग, मतलब मेरे बॉस फोन कर रहे हैं पर एक बार वेट कर लीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है तो क्या हम बोलेंगे, कौन से फ्रेजेस यूज करेंगे। फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल वी कैन यूज जब कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही हो तो हम कह सकते हैं कैन आई गेट राम विद अस, कि भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ और साथ में मुझे किसको लेना है, राम को भी लेना है, तो मैं सामने वाले से क्या पूछूंगा, कैन आई गेट राम विद अस सो दैट वी कैन सेव टाइम। वेट लेट मी रोप इन राहुल इन टू दिस कन्वर्सेशन, रोप इन का मतलब क्या होता है कि भाई उसको घुसाना, ठीक है ना। रोप इन का मतलब क्या होता है, किसी को कन्वर्सेशन में पार्ट बनाना। सो वी विल से वेट लेट मी रोप इन राहुल इन टू दिस कन्वर्सेशन, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू, जो हम जब जैसे दो बंदे हो गए, अब दोनों को हमने राहुल को भी रोप इन कर लिया,
अब हम बोलेंगे एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू, चाहे उधर से राहुल बोलेगा एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, राहुल स्टे ऑनलाइन, राम यू कुड डिस्कनेक्ट। मान लीजिए अभी मैं राहुल आ गया, अब राम से मैं बात कर रहा था तो राम को मैं बोलूंगा कि भाई तुम तो लाइन पे रहो, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। प्यारे बच्चों धन्यवाद देखने के लिए, और धन्यवाद मुझे नहीं कहना है तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है आपके बेहतर के लिए, सो दैट यू कुड लर्न बेटर इंग्लिश। तो आप अच्छे से सीखिए, समझिए और अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।